अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो चलिए बनाते हैं पाव भाजी घर पर ही, बहुत जल्दी बनकर तैयार होने वाली। मैं हमेशा हर चीज़ बनाने के लिए इजी स्टेप्स ही यूज़ करती हूँ, तो यहाँ पर भी मैंने ऐसे ही किया था। यहाँ पर मैंने बटर डाला है, फिर थोड़ा सा ऑयल डाला है ताकि बटर ना जले। मैं इतना सारा बटर नहीं डालूंगी क्योंकि बटर फ्रिज में रखा था तो इसीलिए फ्रीज हो गया था। मैंने थोड़ा डाला, जब वो मेल्ट हो गया तो मैंने निकाल लिया था। फिर हम इसमें डालेंगे सारे वेजिटेबल्स जो भी पाव भाजी के लिए लगते हैं। मैंने इन्हें अच्छी तरह से चॉपर में चॉप कर लिया था ताकि ये जल्दी से पक जाएं। यहाँ पर मैंने अच्छे से फाइनली चॉप्ड ऑनियन डाली, तो हम अभी इसे अच्छे से भून लेंगे। फिर मैंने इसमें टमाटर डाले, फिर हम इसमें डालेंगे कैप्सिकम। मेरे पास जो भी सब्जियां थी मैंने उसमें डाली थी, काफ़ी अच्छा बनता है। जितनी ज़्यादा सब्जियां आप डालते जाओगे तो चलेगा। मैंने नॉर्मल डाला था। फिर मैंने यहाँ पर बॉइल्ड पोटैटो डाला है, मैंने इसे थोड़ा सा मैश कर लिया था। फिर हम इसमें डालेंगे पीज, मटर, इन सारी चीज़ों को डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम मैश करना शुरू कर देंगे। फिर हम इसमें एक एक करके मसाले ऐड करते जाएंगे। ये बिल्कुल देखिए हमारे देश के तिरंगे की तरह लग रहा है, हरा भरा, ऑरेंज, वाइट, सारी चीज़ें। फिर मैं इसमें डालूंगी अदरक लहसुन और धनिया पत्ते का पेस्ट। मैंने पहले भी बताया है अपनी वीडियोस में कि मैं ये तीनों चीज़ों को एक साथ ही मिक्सी करके रखती हूँ, ग्राइंड करके। इससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। मैं सिर्फ जिंजर गार्लिक इतना ही नहीं करती, मैं उसमें धनिया भी डालती हूँ। अब हम इसे थोड़ा सा नमक डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। मैं यहाँ पर मैश कर रही हूँ। फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी डालकर हमें इसे मैश करते रहना है अच्छी तरह से। हम इसे जितना अच्छा मैश करेंगे ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा और फिर हमारी पाव भाजी इतना ही जल्दी बन जाएगी। तो यहाँ पर मैंने इसे 2-4 मिनट के लिए अच्छे से मैश किया था। फिर मैंने जब भी पानी मुझे लगा कि डालना चाहिए तब मैंने पानी इसमें डाला। हम इसमें पानी डालकर इसे अच्छे से मैश करते रहेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हमारी जो आलू वगैरह है वो बॉइल्ड है तो जल्दी बन जाता है। फिर भी थोड़ा बहुत, मतलब इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लेगा, अगर जल्दी जल्दी बनाओगे तो हो जाएगा। फिर मैंने इसमें पानी डाला। फिर मेरे पास 2 टाइप की पाव भाजी थी तो मैंने दोनों एक एक चम्मच डाले थे। आप कोई भी एक ही डाल दो, नो प्रॉब्लम। 2 चम्मच मैंने यहाँ पर डाले था। फिर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे। फिर मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च। मैंने यहाँ पर थोड़ा ही डाला था क्योंकि मैं बाद में फिर से इसे तड़का लगाऊंगी इसीलिए। तो हम इसे अच्छे से डाल देंगे। डालने के बाद मिक्स करना है। मैंने नमक थोड़ा और डाला था क्योंकि मेरा नमक कम था पाव भाजी में। पानी डालकर मिक्स करने के बाद मैं इसे ढककर थोड़े टाइम के लिए पकने के लिए रख दूंगी। पाँच मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे कि हमारी अच्छे से पाव भाजी बनी है या नहीं। मैंने इसे 2-4 मिनट के लिए और रखा था। ये देखिए हमारी पाव भाजी अच्छे से बनकर तैयार है। ये काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही थी तो पता चल गया है कि सारी चीज़ें अच्छे से मिल गई हैं, मसाला वगैरह पक गया है। हम थोड़ा ये और इसे मैश करेंगे। यहाँ पर मैंने मटर को पूरी तरह से मैश नहीं किया था ताकि वो एक टेस्ट में अच्छा लगता है जब भी हम खाते हैं। तो यहाँ पर मैंने निकाल ली थी अपनी पाव भाजी। फिर मैं इसमें थोड़ा सा बटर और थोड़ा सा ऑयल डालूंगी। ये घर की बनी हुई लाल मिर्च है और कलर के लिए मैंने थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाली थी। यहाँ पर मैंने कलर, फूड कलर वगैरह यूज़ नहीं किया था क्योंकि घर के लिए ही बना रही थी तो वो सारी चीज़ें आर्टिफिशियल मुझे नहीं अच्छी लगती। कलर से ज़्यादा आई थिंक टेस्ट मैटर करता है तो मैं ये सारी चीज़ें नहीं ऐड करती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। फिर मैंने इसमें अपनी पाव भाजी जो मैंने निकाल कर रखी थी वो डाल दी। ये देखिए हमारी पाव भाजी बनकर तैयार है। मैंने इसे ज़्यादा नहीं पकाया था क्योंकि ऑलरेडी पक चुकी थी। तो 2 मिनट के लिए पकाने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर डाला। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद ये हमारी बनकर तैयार है पाव भाजी। मैं इसमें थोड़ी सी फ्रेश धनिया डालूंगी ऊपर से, इससे टेस्ट इन्हेंस होता है। अब हम इसे निकाल लेंगे और गार्निशिंग के लिए या फिर अच्छा दिखने के लिए मैंने भी इसमें थोड़ा सा बटर और धनिया डाल दिया था ऊपर से। अब हम यहाँ पर ब्रेड
ब्रेड को सेक लेंगे। और ये देखिए हमारा पाव भाजी बनकर तैयार है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।